स्थिति को आज तक। अमन मुझे लगा आप कहीं ना कहीं 6 बजे तक जब मैं आऊंगा कि स्थिति कुछ आप क्लियर कर लेंगे, मेरे लिए आंकड़े कहीं आसान हो जाएंगे, लेकिन आपने तो लग रहा है कि स्थिति और ज्यादा यहाँ पर टाइट फाइट करवा दी। अब यहाँ पर क्या होगा, किसकी तरफ जा रही है, ये यहाँ पर देखने की बात होगी। और इस बीच 6 बजे है और जैसे जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आते चले जा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने, सबसे बड़ी ये कि जहां पर एक एग्जिट पोल सरकार बनाता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी की, बीजेपी को 126, वो है टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल। वहीं रिपब्लिक सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी लेकिन सरकार नहीं बन रही है। जी न्यूज पर महा एग्जिट पोल लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में 5 राज्यों में अब की बार किसकी सरकार, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार ये अपडेट होता रहा। और तमाम पैनल जो है हमारे साथ, गेस्ट का जो तमाम पैनल है वो भी इस वक्त जुड़ रहा है। कुछ नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ यहां से विदाई कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जी न्यूज का महा एग्जिट पोल, एमपी में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स नाउ सीनेक्स का एग्जिट पोल है, मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। रिपब्लिक सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सत्ता में वापसी तय है। तो जी न्यूज पर महा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश पर तस्वीर अगर हम ये देखें, एवरेज कहीं लगाएं तो फिलहाल साफ नहीं है, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। 126 बीजेपी को, हालांकि टाइम्स नाउ यहां सरकार बनाता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहां पर स्थिति कुछ धुंधली स्थिति कुछ धूमिल नजर आ रही है। तो रिपब्लिक जन की बात इस वक्त आपके सामने, मध्य प्रदेश पर तस्वीर अभी साफ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले से प्रिडिक्टेड था नेक टू नेक फाइट रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में भी मामला फंसता नजर आ रहा है। टीआर रामचंद्रन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ लक्ष्मी त्रिपाठी भी है, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। टीआर रामचंद्रन साहब की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि शाम को जब पहले एग्जिट पोल आने लगेंगे तो कुछ इस तरीके से नतीजे होंगे, हल्की सी खिचड़ी पकेगी, तस्वीर साफ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें, बहुत सी हम ऐसे स्टेक्स थे जो बहुत नेक टू नेक चल रहे थे, भले वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान की भी बात। देखिए एक्सपेक्टेड सा था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हैवी है, आपने 2 राज्यों में 15 साल से आप राज कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी नकार नहीं सकते, पर अगर इनके इन रुझानों पे जाएं तो ऐसे लगता है कि बड़ा क्लोज फाइट हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल काफी एज है, और अगर चौथी बार लगातार रहता भी है तो ये कहीं एमपी में ही सिर्फ नजर आ रहा है। और एमपी को कहा भी जा रहा था, आपको याद होगा एमपी में ये कहा जा रहा था कि जैसे एमपी अगर उस तरीके से रहता है, रिपीट करा, और वो जो अंतिम फेज था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडिंग की थी वहां पर साबरमती पर, आपको याद होगा कुछ उसी फेज की एक्सपेक्टेशन जहां पर भी की जा रही थी। बात ठीक है, पर मेरे ख्याल में एमपी में डिफरेंस सिर्फ ये है कि उनके चीफ मिनिस्टर बड़े एक्सेसिबल हैं लोगों के, उनकी एक अलग सी छवि और पॉपुलैरिटी है। मेरे ख्याल में वहाँ पर अगर आप कांग्रेस के साथ कंपेयर करें, कांग्रेस में दिग्गज नेता 3-4 हैं और उनमें आपसी फूट के वजह से भी ये स्थिति उभर के आई है, तो आखिरकार टच एंड गो है, ऐसे नहीं है कि सब जगह। मैं कल लेता हूँ, ग्राउंड पर रवि त्रिपाठी मौजूद है। रवि त्रिपाठी, एक्सटेंसिवली आपने मध्य प्रदेश में एक एक जगह कई आपने देखा, रेबल फैक्टर बीजेपी का भी देखा, कांग्रेस की भी इन फाइट भी देखी, और ऐसे में कांग्रेस का एकजुट होना भी देखा, जिसे तरीके से कहते हैं कि एक बार फाइट देना, वो फाइट जो अब से पहले गुजरात में उसने दी थी, फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल शायद एग्जिट पोल ये कहता है कि टच एंड गो हो सकता है, लेकिन फिर भी स्टिल बीजेपी इन फेवर ऑफ। देखिए जैसे जितने दिन हम लोग मध्य प्रदेश रहे उसका आकलन ये था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक एक्सेप्टेबल चेहरा है, वो हर जात में हर कौम में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और काम की वजह से, क्योंकि जन्म से लेकर मरने तक का स्कीम उन्होंने दिया हुआ है, हर आदमी से सॉफ्ट उन्हें तरीके से बातचीत करते हैं वो, तो एक एक्सेप्टेंस होता है आम आदमी में, ये छवि थी जो उनसे नाराज भी था कि काम तो उसने किया है, चाहे वो सड़क की बात हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, और यही एज उनको है। देखिए बीजेपी बार बार प्रधानमंत्री मोदी हों चाहे अमित शाह हों डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन का अर्थ ये होता है कि अगर आगे वाला इंजन काम नहीं कर रहा तो पीछे वाला धक्का
देखे गाड़ी को ले जाएगा, तो दोनों जगह अलग अलग है। मैं राजस्थान में भी खड़ा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो जो भले डबल इंजन में अगर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर थोड़ी सी नाराजगी दिख रही थी, तो पीछे वाला इंजन शिवराज सिंह चौहान इतना मजबूत था कि वो खींच के गाड़ी को ले जाने की स्थिति में थे। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ वसुंधरा राजे जो इंजन है, पीछे वाले इंजन जो है वो थोड़ी काफ़ी कमजोर दिख रही थी। यहाँ मोदी इतने मजबूत थे कि मोदी ने कहीं ना कहीं चुनाव को टक्कर में लेकर आया। मोदी हों, योगी हों, अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, जो लड़ाई जिस तरह चल रही, तो डबल इंजन का जो बीजेपी का खेल है उसमें कहीं ना कहीं ये काम आता है कि कहीं मोदी जी काम आ जाते हैं, कहीं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का काम आ जाता है। हालांकि 2013 का आप रिजल्ट देखेंगे तो हर जगह, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तीनों जगह मोदी का इम्पैक्ट था, और जिस वजह से क्लीन स्वीप था। दो राज्यों में तो 160 से ज़्यादा थे, और आप छत्तीसगढ़ में भी बजाय ये होने के, वहाँ आपको याद हो कि कांग्रेस के नेताओं पर अटैक हुआ था, उसके बावजूद सरकार आप बनाए थे। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन का जो गेम बीजेपी का चलता है उसमें ये फायदा होता है कि अगर एक इंजन कमजोर दिखता है तो दूसरा इंजन उसको खींच के गाड़ी को ले जाता है। हमारे साथ बीजेपी के लोग भी मौजूद हैं और कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। सचिन, एक बातचीत करना चाहेंगे, इनको क्या लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि भाई कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, तो इन्होंने कहा कि अरे मुझे लगता है कि गड़बड़ लग रहा है, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, फेक तो नहीं है। कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी भी, आपको क्या उम्मीद लग रहा है? राजस्थान में आप लोग बड़े नाराज थे, कहा था वसुंधरा से, अब आप लोग नाराजगी खत्म हुई कि नहीं? आज वोटिंग में नाराजगी खत्म थी? बिल्कुल नाराजगी खत्म थी, और जितना वोटिंग, और कम से कम नाराजगी खत्म होने के साथ साथ रवि कह सकते हैं कि जो इन्होंने सोचा था या जो इस वक्त ईवीएम में कैद हुआ था वो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल में हमने देखा है कि प्लस माइनस स्थिति तो लगभग साफ होने लगती है। इस वक्त की जो पांच बड़ी खबरें हैं, जैसे जैसे एग्जिट पोल आगे बढ़ रहा है जी न्यूज का या माई एग्जिट पोल, वैसे वैसे जो पांच बड़ी खबरें हैं वो हम इस वक्त आपको दिखा देते हैं। पांच बड़ी खबरें क्या है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आएंगी आपके सामने, कि किस तरह से, ये देखिए आपके सामने। एक तो जी न्यूज पर माई एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश पर तस्वीर अब तक साफ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। आज तक एग्जिट पोल एग्जिट में एमपी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। टाइम्स नाउ सीनेक्स एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी की सरकार है। रिपब्लिक जन की बात वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। मध्य प्रदेश पर तस्वीर साफ नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। तो फिलहाल जैसे जैसे ये नतीजे आते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तमाम मेहमानों का पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ टी आर रामचंद्रन, जैसे कि मैंने आपको तारुफ करवाया, वो हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद है, राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील पंडित है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। निनाद सेठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है सीपीआई लीडर, हमारे साथ ललित अंबरदार है, और साथ ही साथ दीपक पांडे है बीएसपी सपोर्टर। फिलहाल निनाद आपसे मैंने, क्योंकि वहां से रिएक्शन शुरू किया, तमाम पार्टी स्टेक होल्डर्स आएंगे तो उनसे रिएक्शन लूंगा। आपको क्या लग रहा है कि सुबह के वक्त हम जिस तरह की सेफोलॉजी की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश एज एक्सपेक्टेड एज वी वर डिस्कसिंग कि क्लोज होने वाली है फाइट, लेकिन बीजेपी आज निकाल लेगी? बीजेपी को एज है, बीजेपी को एज इतनी ज़्यादा नहीं है जितना सोचा था, तो इस तरह से ये कहना, सी एग्जिट पोल्स आर नॉट एग्जैक्ट पोल्स, तो ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा इस वक्त पर मैं तीन चीज़ें कहूँगा। जिस तरह की फाइट दिखाई है कांग्रेस ने, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ हो, वो उससे कांग्रेस को थोड़े से थोड़ी हैप्पीनेस तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि पहले के अगर हम स्टेट्स देखें, जब से पिछले जनरल इलेक्शन हुए थे, हर राज्य में कांग्रेस का वजूद ही ना हो ऐसा लग रहा था, पर इस बार लग रहा है कि एक रेजोनेंस है। इसमें ये भी फैक्टर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में 15 साल से एक सरकार होना, तो जाहिर है थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। पर मुझे लगता है कि अभी हमने वेट करना चाहिए दो चीज़ों के लिए। पहले एक एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर ही तुम आपने ही नहीं परफॉर्म कर सकते गवर्नमेंट, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या ये रेजोनेंस होगा ग्राउंड पे कि नहीं? अगर ये नहीं हुआ तो लास्ट माइल बहुत जरूरी है। नहीं ठीक है विवेक श्रीवास्तव, एक और टेक है मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर देख रहा था छत्तीसगढ़ अभी पूरा आना बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं ये बता रहा था, और खासतौर से मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा ट्राइबल इलाका भी ये बता रहा था कि यहाँ पर बीएसपी अकेले लड़ रही है, एसपी अकेले लड़ रही है, महागठबंधन का प्रारूप यहाँ से तय होगा, जो टच एंड गो सीटें अगर कांग्रेस की मेजर लॉस होती है, जबकि एग्जिट पोल में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ये कि रीजनल पार्टीज अगर अपने दम पर नेशनल एम्बिशंस के साथ सोच रही इलेक्शंस के साथ, उनके लिए भी झटका आ रहा है। नहीं, ये झटका जरूर अगर आप इस तरीके से उसका एनालाइज करेंगे, लेकिन दूसरी बात आप ये भी देखिए कि बहुत ही पुअर काम किया था 15 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर, नक्सलाइट मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, बट स्टिल देयर इन वेरी नो 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 दे आर स्टिल नॉट। इसमें एक पोल ने तो इसके अंदर कांग्रेस को बढ़त दी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 41% वोट टू द कांग्रेस एंड लेसर वोट्स टू द बीजेपी। तो ये कहना कि ये आ रहे हैं तो ये दैट इज नॉट करेक्ट। और जो डिसाइडिंग फैक्टर इस बार होगा मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, इट विल बी द फार्मर्स। अभी 29 और 30 नवंबर को रामलीला मैदान में लाखों लोग जब इकट्ठे हुए थे,
उसके पहले मुंबई में राहुल ईश्वर ठीक है, दिस इज अगेन अ फैक्टर अगेन, तो इसको मैं वही कह रहा हूं ना, ये फैक्टर फिर स्टूडियो में रहेगा, मैं आज स्टूडियो में नहीं रहा, नहीं रहेगा, एक फैक्टर जो किसी ने नहीं डिस्कस करा राजस्थान में, सर वहां गोत्र डिस्कस हो रहा था, दैट इज द हनुमान बेनीवाल फैक्टर, नोबडी हैज डिस्कस्ड इट सर, आप वहां देखिए, वहां गोत्र बताया जा रहा था लगातार वो तरीके से, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में तो गोत्र बताया जा रहा था, मध्य प्रदेश में तो जाति पूछी जा रही थी, ये चीज कैसे करती है राहुल ईश्वर की नहीं करती, क्योंकि सुबह तक ये थी, उससे पहले भी था पोलिंग में कि नहीं ये मैटर नहीं करती है, वोटर को चीज टर्न आउट नहीं करती, लेकिन पिछली बार के भी आंकड़े बता रहे थे, जब जब आपने पर्सनल हुए हैं, बिलो द बेल्ट हुए हैं वोटिंग टर्न आउट में, और कम से कम रिजल्ट में वो सेंटिमेंट भी निकला, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, इसलिए बीजेपी को कई बार हमारे राज्य में ऐसे हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी में गवर्नमेंट चेंज होता है, मगर फिर भी 15 साल रूल में होने के बाद भी बीजेपी वापस आने की संभावना है, सो इसलिए बीजेपी को एक एज देना चाहिए, और सभी एग्जिट पोल यही सूचना देते हैं। लेकिन राहुल गौरव भाटिया, क्या लग रहा है आपको, फिलहाल जो एग्जिट पोल है बीजेपी मध्य प्रदेश टच एंड गो जरूर है, लेकिन बीजेपी की स्थिति भी ऐसी है कि हो सकता है कि कांग्रेस कई एग्जिट पोल दिखा रहे, बड़ी पार्टी है, छत्तीसगढ़ हाथ से जाता नजर आ रहा है, और फिलहाल तेलंगाना राजस्थान आएगा। नहीं देखिए, सह सम्मान जो भी आपने दिखाया मेरे सामने, सारे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि तीन प्रदेश जहां हमारी सरकार है वहां जितनी सीटें हमारी थी उससे बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं, इतना मैं कह सकता हूं, और तीनों प्रदेशों में हम लोग वहां थे, उसकी प्रमुख वजह भी मैं आपको बता दूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक राजनीति करते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और बताया कि क्या विकास हुआ है, हमने स्पष्ट बताया केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, जहां जहां गए हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाया, दूसरी तरफ केंद्र के जो ठीक है, इस पर सभी एग्जिट पोल आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के सभी एग्जिट पोल आ चुके हैं, केवल गौरव एक सेकंड, इस पर ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल आ चुका है, क्योंकि हमारे को सभी एग्जिट पोल मिल चुके हैं, और मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल कह रहा है 112 सीटें बीजेपी, 109 कांग्रेस, 1 बीएसपी और 8 अदर्स, तो इस हिसाब से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नजर तो आ रही है 112 सीटों के साथ, लेकिन क्या वो सरकार बना पा रही है, फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर महा एग्जिट पोल का जिक्र करें, कांग्रेस 109 के साथ पीछा करती हुई, लेकिन अपनी कैपेसिटी में वो भी कहीं नहीं नजर आ रही है, भले प्लस के साथ, अदर्स के साथ या बीएसपी के साथ किसी फैक्टर में, फिलहाल का महा एग्जिट पोल ही कह रहा है कि वो सरकार बना पाए, बीएसपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। गौरव भाटिया, देखिए मैं फिर कहूंगा कि मैं इन एग्जिट पोल से सहमत इसलिए नहीं हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ज़मीन पे मेहनत करी, हम लोग भी ज़मीन पे थे, जो फीडबैक हमारा है, और आप लोग उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि तीनों प्रदेशों में डॉक्टर रमन सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे जी का चेहरा होना एक विश्वसनीयता को बढ़ाता है, यहाँ क्लैरिटी थी, कांग्रेस में कन्फ्यूजन था, आप स्टेट दर स्टेट देखिए, छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश में आपस की खींचातानी, आप दिग्विजय सिंह का पोस्टर में चेहरा भी नहीं लगाना चाहते, और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य जी में आपस में लड़ाई, वही हाल राजस्थान में है। दूसरी बात, जहां हम रिपोर्ट कार्ड विकास का रख रहे थे, आप बताइए मध्य प्रदेश की क्योंकि बात कर रहे हैं, 90% मुसलमानों को निकाल लो, मुस्लिम बूथ से जीत जाएंगे, महिला 200-500 रुपए लेके ब्लाउज में रख लेती हैं, सजावटी महिलाओं को हम टिकट नहीं देते हैं, और चुनाव हो जाने दो, इनसे निपट लेंगे, अरे निपट किससे लोगे, जनता दुष्यंत नगर, तो ये नकारात्मक सेल्फ गोल हुए ना, अगर वो वीडियो नहीं आता, अगर पार्टी गई तेल लेने नहीं होती, अगर वो वीडियो नहीं आते, कांग्रेस आज इतनी बेहतर स्थिति में होती कि कम से कम वो सेंटिंग कंपेंसी को कैश करी होती, फिर वो सेल्फ गोल करती, फिर वो उस स्थिति में आ जाती। मेरा ये मानना है कि दोनों राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव, किसान की समस्या के ऊपर आधारित हैं, और वहीं से एक पूरे चुनाव का माहौल बना है, और किसान के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करने में नाकाम रही है। हमने बार बार किसानों की कर्जा माफी का मुद्दा उठाया, आत्महत्या का मुद्दा उठाया, तो गोत्र आ गया था, मुझे एक बात बताइए, सर वीडियो आ गए, वहां गोत्र आ गया, वहां जाति आ गई, मैं तो कह रहा हूं ना कि जो आपने डिसाइडिंग फैक्टर फार्मर है, गोत्र पे आप पाकिस्तान पे भी मैं उत्तर देता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश पे चाहे राजस्थान पे चाहे, आदरणीय वकील साहब पूरा कर लीजिए जी, श्रीमान जी देखिए हम किसान, कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप दिखाई दिया, आपको भी सम्मान, मैं तो किसान की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आप रहते हैं मेरे भाई, मैं नहीं रहता भाई, मैं कब देखा आपने यार, ये जबरदस्ती का बात है, बात नहीं है कोई नहीं, तो जिस तरह से किसान परेशान था और किसान अपनी बातों को लेकर लगातार सड़क पे था, मंदसौर से लगा के भोपाल तक जो किसान ने अपनी मांगे रखी, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आप बता दीजिए दो बातें, क्या कर्जा माफी आपने की,
फसल का भाव डेढ़ गुना किया। दो बातें नहीं तीन बताऊंगा, दो ही बता दीजिए, समय देता हूं। पहली बात, इन्होंने जो किसानों को कर्ज दिया था वो 16% पे था जब आपकी जो है सरकार पहले थी, हमने उसको जो है 0% पे करा। स्वामीनाथन कमीशन, एम एस स्वामीनाथन खुद कहते हैं मेरी रिपोर्ट 8 साल इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी, और मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने लागू कर दी। लागू कर दी भैया, लागू नहीं कर किसानों के लिए आपने स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं। आप उस आयोग में बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात यह है, सुनिए 29 और 30 नवंबर को जो बड़ी रैली रामलीला मैदान में हुई है वो इसीलिए, आप बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। आपने स्वामीनाथन आयोग को बीजेपी ने लागू नहीं किया है, इसीलिए 10 लाख आदमी यहाँ पे रामलीला मैदान में कहते हैं अभी उनका स्टेटमेंट नहीं होता। यहाँ पे किसान खड़े थे 30 नवंबर को अतुल अंजान की लीडरशिप में, किसानों को 1 रुपया दे रहे थे कहाँ पे, कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता, सेक्युलर पार्टी के पैसे दिए, आपने 35 पैसे का कर्जा माफ किया, 25 पैसे का कर्जा माफ किया, आपने गलत में क्या किया किसान के लिए? अभी भी किसान चुनाव से भी आप लोगों को डर नहीं है? राजस्थान में लहसुन बेचने के लिए किसान अभी भी मंडियों में पड़ा हुआ है। किसान को अभी भी पूछा था सर, लेकिन एक 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 क्वेश्चन है इसमें, एक सेकंड ललित अंबरदार, इसमें एक सवाल ये भी था ना कि किसान अगर वो आंकड़े देख रहा था, किसान अगर देख रहा था कि आप मंदसौर से लेकर दूसरा आंदोलन और इस वक्त इतनी आत्महत्याएं शिवराज सरकार में अगर हो रही हैं, वो उसकी स्थिति वो कंपैरिजन में फिर उसको भी देख रहा था ना, जिससे स्थिति दयनीय थी, क्या उसको भी वापस सत्ता में लेकर के आना है, फिर वो कंपैरिजन कर रहा था? तो मैं राहुल गौरव भाटिया की बात मानता हूँ कि वो कह रहे हैं कि भैया वो बिलीव कर रहा था 2009 में सारा किसानों का कर्जा माफ किया था 2009 में, क्या बात कर रहे हैं सर? आप मुझे बात बताइए, आपने डिसाइड कर लिया सर, मुझे बात बताइए, आंकड़े तो दोनों है ना, उससे पहले वाला भी जीडीपी है, उससे पहले वाला भी आत्महत्या, 10 लाख किसान इकट्ठा हुआ और आप कह रहे हैं कि किसान का माइंडसेट आपको पता है? सर मैं माइंडसेट की बात नहीं करूं, किसान के पास तो कंपैरिजन है ना सर, किसान कंपैरिजन, सर मुझे एक बात बताइए ललित अंबरदार, एक सेकंड, ठीक है मैं लक्ष्मी आइए, एक सेकंड, देखिए ऐसा है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप पार्टी को जिस सवाल के रखिए, वोट मिल चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं, गिनती शुरू हो गई है, एक आध दिन में रिजल्ट आएगा, अब आपके विवाद और विवाद में कुछ नहीं होगा, लोगों ने जो सुनना था आपका सुन लिया, नवंबर को यहाँ पे आए थे, लेकिन सुनिए किसान का सिर्फ मसला सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, किसान के घर में, आप किस किसान की बात करें, एक किसान वो गरीब भी है जिसका 40 साल से उसके घर के अंदर अभी तक बिजली नहीं आई थी, एक किसान वो परिवार भी है जहाँ पे गैस भी नहीं था, जिन लोगों से हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं एकदम इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट लेने के लिए, वो कहते हैं भैया हमारे पास हेल्थ कार्ड तो हमारे शरीर का तो कभी नहीं बना, लेकिन हमारी जमीन का हेल्थ कार्ड बना, हमारे यहाँ पे हम लोग हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पड़ोस के गांव में जाते थे, जो जमींदार था उसके बाद जो लाटू लगा होता ना गेट के ऊपर, वहां बैठ के नीचे हमारा बच्चा पढ़ाई करता था, अब मेरे घर के अंदर लाटू आ गया। और दूसरा गैस कह रहे माँ के जो फेवड़े बर्बाद हो गए वो फूकते चूल्हे को, अब मुझे वहां पे गैस आ गया, हम तो 1 साल चला लेंगे, वो कह रहे इतना प्यार से चलाते हैं उसको, सबसे प्राइज पोजीशन बन गया घर के अंदर वो गैस का चूल्हा, राइट, उसको इतना संभाल के ना जैसे भगवान जी को करते हैं वैसे उसको रखा हुआ, वो जो 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 इंप्रेशन है वो भी है, स्वामीनाथन कमीशन जवाब दीजिएगा, इसी पॉइंट 10 साल वो पढ़ा रहा, ठीक है सुशील जी, इसी पॉइंट को एलैबोरेट कीजिएगा, मैं यहां पर नहीं करता हूं, फिर एक जगह चलिए अपनी बात रखिए, फिर मैं बात, देखिए बिजली का दाम 2.5 गुना हो गया, गैस का दाम 2 गुना हो गया, ये भी लोग देख रहे हैं, किसान ये भी देख रहा है, किसान की आय बढ़ी नहीं है, हर चीजों के ऊपर आपने दाम बढ़ा दिए, तो किसान तो ऐसा निचोड़ दिया है कि कहीं का नहीं छोड़ा, आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं, तो भी बीजेपी क्यों आ रही है, इसका प्रश्न आपके पास है? नहीं आएगी, नहीं नहीं, महामंडलेश्वर महोदया, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ महामंच के एग्जिट पोल पे कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त, गुजरात में भी कुछ ऐसा ही कहते थे, उसके बाद ये लोग गायब हो गए, नहीं मुझे बोल लेने दीजिए, आज सबसे बड़ी बात है, अगर 70 साल से अगर पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए रहते, इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया रहता आपकी सरकारों ने, तो आज
हमारे जो किसान भाई हैं या किसान का समाज है वो इस तरीके से दुर्लक्षित नहीं रहता। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आप लोग चीख चीख के यहाँ पे बोल रहे हैं। इवन आई कम फ्रॉम द सोशल सेक्टर, दे कैन नॉट, प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट। इवन आई कम फ्रॉम द सोशल सेक्टर, मैं सोशल सेक्टर में बहुत सालों काम करी हूँ और मुझे सारे रिपोर्ट्स अच्छे से पता है। इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड। 1947 में क्या स्थिति थी, गेहूं कहां से आता था खाने के लिए, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे वाह, आपको जानकारी है 1958 में ये सरकार बना था, संविधान से गेहूं लिया था। आप बात कर रहे हैं, सचिन सचिन पांडे, ओनली वन मिनट, एक वक्त पे देश की हालत इतनी खराब थी कि देश का रिजर्व जो है वो गिरवी रखना पड़ गया था। क्या बात कर रहे हो, एक सेकंड सर, एक वक्त देश की हालत ऐसी थी। अच्छा ठीक है, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, एक सेकंड, 4.5 साल में, एक सेकंड छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आ रहा है, तेलंगाना का आएगा, लेकिन मैं ये मानूं यहाँ पर सुशील पंडित दुष्यंत नागर ये कह रहे हैं क्योंकि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था। 1947 में कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी, इसलिए ये इलेक्शन कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, पूरे देश में कृषि की विकास दर 3% के आसपास है, मध्य प्रदेश में ये डबल डिजिट्स में है, 11-12% की दर से पिछले 5-6 साल से लगातार बढ़ रही है। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, वो क्यों हो गया है? देखिए, अब चुनाव क्योंकि वोट पड़ चुके हैं, इस समय को आप अभियान में ना लगाइए, इस समय को विश्लेषण में लगाइए। अब कहीं से वोट आने जाने नहीं है तो नारेबाजी कर दीजिए बंद और तथ्यों पर आ जाइए, तथ्यों पर आ जाइए, तथ्यों पर आ जाइए। किसानों में अगर नाराजगी थी तो ये हुनर है भारतीय जनता पार्टी में कि किसानों से बात करके उस नाराजगी को दूर करे। ये कांग्रेस के जो एसी वाले लीडर हैं ये नहीं कर सकते। 3% पे थी जब हम लोग सरकार में आए थे, आज 20% वहां पे कृषि दर है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ना हो गई मुंगेरी, तो बीच में देख करते हैं सर, यहाँ परेशानी क्या, आप एक लाइन बोलेंगे तो बीच में कूदने लगे। आपके फैक्शन फिगर तो दर्शक सुन ना ले कि आप सही बात क्या कर रहे हैं, आपको किस तरह से फैक्शन बीच में मत बोलिए, आपका मौका आएगा भाई साहब, आप बोलिए, मौका कम दे रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो मेरी ये गलती नहीं, आप एंकर से सेटल कर लीजिएगा, उन्होंने मुझसे, गौरव भाटिया आपका नाम नहीं है, बीजेपी मुझे जानकारी, बीजेपी के मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आपको याद है कांग्रेस नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली पार्टी है। अभी इन चुनावों से पहले कह रही थी महागठबंधन एक बनेगा, सब साथ आ जाएंगे। साथ आ गए क्या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या साथ आ गए? नहीं आए। और यहाँ पे भी जो इनके लीडर हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, इनका गुब्बारा तो वैसे ही फूट जाता है, एक दूसरे में तीली लगाते रहते हैं। आपकी शिकायत दूर करूंगा, आपको वक्त दूंगा जितना आप बोलना चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा ताकि आप ये ना कहें कि पार्टी करें, आपसे शुरू करूंगा। हमारे साथ क्लाइंट क्रेस्टो भी है, इस सवाल के साथ ब्रेक लूंगा जो कि सवाल गौरव भाटिया भी कर रहे थे, क्या यहां पर इन चुनावों से पहले जिसे कहा जा रहा था 2019 का सेमीफाइनल, अगर एक गठबंधन महागठबंधन या विपक्ष एकजुटता का स्वरूप सामने आ जाता तो कहीं ना कहीं आज जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है उस एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को होता और बीजेपी या दूसरी स्थिति में होती, कांग्रेस दूसरी स्थिति।